सोचिए कि अगर ऐसा हो कि आप ये पता लगा सकें कि एक एप्पल की बाइट खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, एक रोटी खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, एक गुलाब जामुन खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि नेट कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। देखिए, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं। एक वो कार्बोहाइड्रेट जो खाने के बाद बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा वो जो खाने के बाद बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट नहीं होता, वो ऐसे ही बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होता है उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट या नेट कार्बोहाइड्रेट, और वो कार्बोहाइड्रेट जो बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट नहीं होता उनको हम जनरल नाम देते हैं फाइबर्स, और वो फाइबर डाइजेस्ट नहीं होते, अनडाइजेस्टेड बॉडी से टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो जब हम टोटल कार्बोहाइड्रेट में से फाइबर माइनस कर दें तो नेट कार्बोहाइड्रेट निकल जाता है। नेट कार्बोहाइड्रेट से हमें ये पता लगता है कि पर्टिकुलर फूड आइटम में कितना कंपोनेंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होने लायक है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए अगर फूड में नेट कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है तो वो ठीक नहीं है, नेट कार्बोहाइड्रेट कम है तो वो ठीक है। तो हमें ऐसा फूड चूज़ करना है जिसका नेट कार्बोहाइड्रेट कम हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप आज ये डायबेक्सी का वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो डायबेक्सी के जो वीडियो हैं वो एक सीक्वेंस में हैं। जो हमने शुरुआत की थी कि हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ से, उसके दो पार्ट हैं। अगर आप सीक्वेंस में डायबिटीज़ के लिए डायबेक्सी के वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो जब आप डायबेक्सी का वीडियो देखें तो सारे वीडियोस देखें, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप डायबिटीज़ के बारे में बहुत जानकारी लेना चाहते हैं, ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो डायबेक्सी के सारे वीडियो देखिए। और मेरी गारंटी है कि आप रेगुलरली डायबेक्सी की वीडियो देखते रहेंगे तो आप डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हो जाएंगे, आपकी नॉलेज आसपास के लोगों से सबसे ज़्यादा होगी। तो चलिए आज इस नॉलेज को और बढ़ाते हैं और कुछ चीज़ें और देखते हैं। अभी तो हमने नेट कार्बोहाइड्रेट से ये देखा कि जो खाना है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है कितना कंपोनेंट बॉडी में जाके शुगर में कन्वर्ट होने लायक है। नेक्स्ट, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा फूड खाने से कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें दो कंपोनेंट समझने बहुत ज़रूरी हैं। पहला है ग्लाइसेमिक इंडेक्स और दूसरा है ग्लाइसेमिक लोड। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को पहले लेते हैं। इंडेक्स का मतलब, जब भी हम किसी चीज़ की इंडेक्सिंग करते हैं तो उसका मतलब सीक्वेंस में लगाना, 1 2 3 4 ABCD, दिस इज इंडेक्सिंग। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, हमने फूड को एक सीक्वेंस में लगाया है ब्लड शुगर पे इम्पैक्ट के ऊपर। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आसानी से कैसे समझेंगे, जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट खाएंगे वो पेट में जाके शुगर में कन्वर्ट होगा, और वो शुगर पेट से ब्लड के अंदर जाएगा। शुगर पेट से ब्लड के अंदर कितनी स्पीड से जाएगा वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अगर पेट से शुगर ब्लड में धीरे धीरे जाएगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अगर वो पेट से ब्लड के अंदर स्पीड से जाएगा तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर है, एक फिक्स वैल्यू है किसी भी फूड प्रोडक्ट का, और वो चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहेगा, वो क्वांटिटी के बेसिस पे चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, तो ग्लूकोज जो है 100 की स्पीड से ब्लड के अंदर जाता है। फिर आ गया गेहूँ, व्हीट, व्हीट के आटे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, तो इसका मतलब वो 70 की स्पीड से बॉडी के अंदर जा रहा है। सफ़ेद वाली चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, तो 65 की स्पीड से जा रहा है।
एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, वो 35 की स्पीड से जा रहा है। एलमंड्स बादाम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 5 है। घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है। अंडे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 0 है। तो जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि कितनी स्पीड से वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा, कितनी स्पीड से ब्लड शुगर में घुसेगा। तो डायबिटीज़ में जितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो फूड का, जितना धीरे धीरे वो शुगर ब्लड में जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम, कितना कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, 20-25 से नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड ही डायबिटीज़ में खाना चाहिए, वही सबसे अच्छा है। जितने ऊपर की तरफ ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा उतना ज़्यादा डेंजरस है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो बहुत ही कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड हमें चूज़ करना है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स सारी चीज़ों का अगर पता ना हो तो हम एक अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका ज़्यादा हो सकता है? तो फूड प्रोडक्ट का लेबल पढ़िए और कार्बोहाइड्रेट देखिए। जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है इसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जब कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है। जिसका कार्बोहाइड्रेट कम है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। जैसे कि मैदा है, अब मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 है, लेकिन बादाम का जो पाउडर है एलमंड पाउडर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 5 है। तो कहाँ 80 और कहाँ 5? तो मैदे में 70% कार्बोहाइड्रेट है, बादाम में खाली 20% कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरीके से जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है इसका मतलब उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी कम है, ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, लिक्विड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। जैसे कि एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 है, लेकिन एप्पल जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट 40-45 मिलेगा। तो किसी भी फूड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमेशा आपको ध्यान में रखना है कोई भी फूड चूज करने से पहले। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड का आप इंटरनेट पे अगर सर्च करेंगे तो आसानी से मिल जाता है। अगर नहीं समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है डायबेक्सी का, वहाँ पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, वहाँ को आसानी से पता लग जाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने देखा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लाइसेमिक लोड। तो इंडेक्स तो हम सीक्वेंस में लगा रहे थे, लोड देख रहे हैं ना, कितना लोड पड़ेगा, कितना ग्लाइसेमिक लोड है, कितना ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, वो इस ग्लाइसेमिक लोड से हमें पता लगेगा। ग्लाइसेमिक लोड पता लगाने से पहले कुछ और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमें बचपन से सिखाया गया है कि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब भी कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे जाने की बात होती है और कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्शन की बात होती है तो सबसे पहला सवाल मन में उठता है कि एनर्जी कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया तो एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी कैसे? कि भाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो ब्लड में जाता है, ब्लड में शुगर इम्पार्ट करता है और वो शुगर से हमें एनर्जी मिलती है। तो भैया ये जानने की कोशिश तो करो कि हमारे ब्लड में शुगर कितना है। तो चलिए पहले ये जानने की कोशिश करें कि हमारी पूरी बॉडी में कितना शुगर होता है एट ए गिवन टाइम। तो एक एवरेज ले लेते हैं कि 100 ml ब्लड में 100 mg शुगर होता है, दैट इज़ नॉर्मल लेवल। 100 ml ब्लड में 100 mg शुगर, तो 1000 ml में 1000 mg, 1000 ml को हम कन्वर्ट कर रहे थे लीटर में, तो 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर होती है। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड होता है, तो 5 लीटर ब्लड में 5 ग्राम शुगर होती है। 1 टीस्पून, जो छोटी चम्मच चाय वाली जिसको हम कहते हैं, 1 टीस्पून 5 ग्राम होता है। तो आप ये समझ लीजिए हमारे पूरे बॉडी में 1 चम्मच चीनी है, बस सिर्फ 1 चम्मच चीनी पूरे ब्लड में, पूरी बॉडी में 1 चम्मच चीनी है। और 1 चम्मच चीनी अगर हम चाय में डाल दें तो चाय लोगों को मीठी भी नहीं लगती। और आप देखिए पूरे के पूरे ब्लड में सिर्फ 1 चम्मच चीनी है। तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं होती बॉडी में,
शुगर की बहुत ज़्यादा उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना हमें लगता है कि उतनी ज़रूरत है। बॉडी का पूरा काम रिपेयर मेंटेनेंस का फैट और प्रोटीन से होता है, तो फैट और प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है बॉडी में, शुगर की उतनी ज़रूरत नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी फैट प्रोटीन की है, ठीक है। तो अब ग्लाइसेमिक लोड को देखते हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे पता लगे, 1 ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 1 ग्राम ग्लूकोज, और 1 ग्राम ग्लूकोज अभी हमने देखा कि 5 ग्राम से कितना आ रहा है, 100 यूनिट ब्लड शुगर लेवल आ रहा है, तो 1 ग्राम कितना देगा, 20 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो 1 ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 20 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर लेवल। तो किसी फूड का ग्लाइसेमिक लोड अगर 1 है तो इसका मतलब वो 20 यूनिट ऑफ ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है। इस बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें टोटल पूरे दिन में कितना ग्लाइसेमिक लोड लेना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे निकालते हैं, तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने के लिए हमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी फूड का, उसके बगैर ग्लाइसेमिक लोड नहीं निकलेगा। तो ग्लाइसेमिक लोड का फार्मूला क्या है कि ग्लाइसेमिक लोड इज इक्वल टू ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्बोहाइड्रेट, नेट कार्बोहाइड्रेट नहीं, टोटल कार्बोहाइड्रेट जिस अमाउंट का हम ग्लाइसेमिक लोड निकालना चाहते हैं। और ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी बेस्ड है, 50 ग्राम फूड का ग्लाइसेमिक लोड अलग है, 100 ग्राम फूड का ग्लाइसेमिक लोड अलग है, 200 ग्राम का अलग है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिक्स वैल्यू था, वो एक फूड के लिए हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी के बेसिस पे, क्योंकि ये लोड है, क्वांटिटी के बेसिस पे चेंज होता रहेगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्बोहाइड्रेट डिवाइड बाय 100, ये ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला है। तो कुछ फूड प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक लोड निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 100, 100 ग्राम ग्लूकोज में 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और डिवाइड बाई 100, तो ग्लाइसेमिक लोड ऑफ ग्लूकोज इज 100। दूसरा ग्लाइसेमिक लोड हम गेहूं के आटे का निकालते हैं, व्हीट फ्लोर, तो इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 70 और टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है अराउंड 70 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 49। तो 100 ग्राम आटे का ग्लाइसेमिक लोड 49 है, ऐसे 100 ग्राम शुगर का ग्लाइसेमिक लोड 65 है, 100 ग्राम एप्पल का ग्लाइसेमिक लोड, देखिए एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35, 100 ग्राम एप्पल में अराउंड 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है डिवाइड बाय 100, तो कैलकुलेट कीजिए, करो भाई थोड़ा कैलकुलेट करो यार, सो ये आ गया 4.2। एलमंड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, 5, और टोटल कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम एलमंड में अराउंड 20, तो 5 × 20 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 1, तो एलमंड का ग्लाइसेमिक लोड हो गया 1। तो आप देख रहे हैं कि जिस फूड में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा रहता है और उसका ग्लाइसेमिक लोड भी ज्यादा है। तो कम ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाने से डायबिटीज में ज्यादा अच्छा रहेगा, और ये ग्लाइसेमिक लोड हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए किसी लेबोरेटरी की जरूरत नहीं, आप घर में बैठे किसी भी फूड का ग्लाइसेमिक लोड निकाल सकते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है डायबिटिक फूड जब हम चूज करते हैं। तो ग्लाइसेमिक लोड के और कुछ एग्जांपल लेते हैं कि प्रैक्टिकली हमें हमारी लाइफ में इस ग्लाइसेमिक लोड से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या पता चलेगा। तो एक एग्जांपल थोड़ा देखते हैं, मान लीजिए हमें बिस्किट खाना है और हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा बिस्किट खाएँ। तो एक तो बिस्किट जो नॉर्मली मैदे और चीनी का बना हुआ होता है, तो मैदे और चीनी का जो ग्लाइसेमिक लोड है, अभी हमने देखा मैदे का ग्लाइसेमिक लोड, आटे का ग्लाइसेमिक लोड ऑलमोस्ट 50 निकला और शुगर का ग्लाइसेमिक लोड 65 है, तो मैदे और चीनी का जो बना हुआ कॉम्बिनेशन है उसका ग्लाइसेमिक लोड 60-70 के आसपास आएगा। दूसरा, कुछ लोग डायबिटिक प्रोडक्ट में माल्टोडेक्सट्रिन मिलाते हैं, ये बड़ा डेंजरस आइटम है माल्टोडेक्सट्रिन, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 है। वैसे ये अप्रूव्ड है डायबिटिक फूड प्रोडक्ट में, ये शुगर फ्री की कैटेगरी में भी आता है, लेकिन इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 110 है। तो मेरे हिसाब से ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज़्यादा है तो माल्टोडेक्सट्रिन हमें अवॉइड करना चाहिए, जिस प्रोडक्ट में भी माल्टोडेक्सट्रिन दिखाई दे वो वाला फूड प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए। तीसरा, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि डायबेक्सी की जो कुकीज़ हैं उसमें स्वीटनर फ्रुक्टो ओलिगोसैक्राइड यूज़ करते हैं और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाली 1 है, तो ग्लाइसेमिक लोड भी 1 है।
तो वन ग्लाइसेमिक लोड है और उसमें बादाम की मान लीजिए कुकीज़ हैं, बादाम का ग्लाइसेमिक लोड भी वन निकला, उसमें जो स्वीटनर है उसका ग्लाइसेमिक लोड भी वन है। तो डायबेक्सी की एलमंड कुकीज़ का ग्लाइसेमिक लोड इतना कम है कि वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बढ़िया है, और पूरे दिन में आपको पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 50 से नीचे रखना है। जितना कम ग्लाइसेमिक लोड होगा उतना ज़्यादा। अब दूसरा प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं कि जो भाई रोटी तो सब लोग खाते हैं, तो जो गेहूं का आटा है उसका भी हमने 100 ग्राम का ग्लाइसेमिक लोड देखा वो था 49, और जो डायबेक्सी का आटा है इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है अप्रोक्सीमेटली 5, तो कहाँ तो ऑलमोस्ट 50 और कहाँ सिर्फ 5। तो अगर हम डायबेक्सी का आटा खाते हैं डायबिटीज़ के लिए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है। ऐसे ही शुगर फ्री स्वीटनर, जो भी शुगर फ्री जिसमें माल्टोडेक्सट्रिन है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है वो नहीं लेना। जो डायबेक्सी शुगर है उसमें जो कंपोनेंट हैं उनका ग्लाइसेमिक लोड 1, 2, 5, 10 इस तरीके से, तो डायबेक्सी शुगर का ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, तो उसको एज ए स्वीटनर यूज़ कर सकते हैं। डायबेक्सी के पास ग्लाइसेमिक लोड का एक पूरा चार्ट है जिसमें 200 से ज़्यादा फूड आइटम्स का ग्लाइसेमिक लोड लिखा हुआ है। तो अगर आप वो चार्ट लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया हुआ है उस पर फ़ोन कर लें, या लिंक पे जाके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही चार्ट से ऑलमोस्ट सारे फूड का ग्लाइसेमिक लोड आपको पता लग जाएगा। तो जो भी फूड खाएं, ग्लाइसेमिक लोड, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नेट कार्बोहाइड्रेट, टोटल कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है। अगले वीडियो में मैं इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करूँगा कि जब हम फूड खाते हैं तो हम कोई भी फूड लेते हैं, मान लीजिए परचेज कर रहे हैं पैकेट वाला, तो क्या हम देखते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, यही देखते हैं ना। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, जनरल पर्सन के लिए बिल्कुल काफ़ी नहीं है, और मैं कहूँगा डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू देखना है क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है। देखिए एक बात समझिए ध्यान से, योर बॉडी इज व्हीकल ऑफ योर लाइफ। बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये शरीर है तब तक ये जिंदगी है, तो शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और शरीर का ध्यान कैसे रखेंगे, अच्छे विचारों से। पहला माइंड, माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइंड ठीक नहीं है तो बॉडी ठीक नहीं हो सकती। और दूसरा फूड, खाना। अगर खाना हेल्दी नहीं है, खाना ऐसा नहीं है जो बॉडी को रीजनरेट करने में हेल्प करे, तो फूड डेड फूड है, वो डेंजरस फूड है, वो नहीं खाना। हेल्दी फूड जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करे वैसा फूड खाना है। ऐसे विचार जो मन में खुशियाँ लाएँ, ऐसे विचार मन में पैदा करने हैं। तो फूड एंड माइंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव ए हेल्दी लाइफ। एंड दूसरा अगेन इम्पॉर्टेंट, योर बॉडी इज व्हीकल ऑफ योर लाइफ। तो अगर डायबिटीज़ है तो फूड का ग्लाइसेमिक लोड समझना बहुत ज़रूरी है, और पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड 50 से नीचे रखना, ठीक है। तो कम ग्लाइसेमिक लोड वाला फूड खाइए और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए मेरा और आपका गोल एक ही है, हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाना। और अगर हमें हिंदुस्तान से डायबिटीज़ को भगाना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी, नॉलेज और डिसिप्लिन। नॉलेज के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब आप स्टूडेंट रहते हैं तो इतना सा सीखते हैं, जब आप टीचर बनते हैं तो इतना सीखते हैं। तो पहले डायबेक्सी के स्टूडेंट बनिए और फिर कम्युनिटी के टीचर बनिए, लोगों को बाहर जाके सिखाइए, अपनी फैमिली में सिखाइए। तो जब आप टीचर बनेंगे तो और ज़्यादा सीखेंगे। तो पहले डायबेक्सी के स्टूडेंट बनिए और फिर लोगों के लिए टीचर बनिए। डायबेक्सी की से जो आप नॉलेज सीखते हैं, जो डायबेक्सी से जो आप नॉलेज लेते हैं वो स्प्रेड कीजिए, नॉलेज को स्प्रेड कीजिए और डिसिप्लिन को एनकरेज कीजिए। जो आदमी कम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड खा रहा है उसको एनकरेज कीजिए, बहुत बढ़िया ऐसा ही करना है। ऐसा नहीं कि ये क्या खाना खा रहे हो, ऐसे कब तक चलेगा, ऐसे कैसे ज़िंदगी कटेगी, ऐसे करके लोगों को डिस्करेज नहीं कीजिए। जो अच्छी डाइट फॉलो करना चाहते हैं उनको एनकरेज कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको गाइड कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और वहाँ पे हम किसी भी फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना सीखेंगे। जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है, वो सही है
या नहीं, और जो लिखा है उसका क्या मतलब है, वो डायबिटिक पेशेंट के लिए कैसे सही है या नहीं, ये कैसे जाने। तो अगले वीडियो में न्यूट्रिशनल लेबल कैसे पढ़ें ये हम देखेंगे। थैंक यू।